हेलो गाइज मेरा नाम है मनीष ठाकुर और स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट में सो so गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच पी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर एस के क्वेश्चन कंप्यूटर क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस वी एग्ज़ामिनेशन में और आपके कुछ महीनों पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं एच पी जे ओ आई टी के उनमें पूछे जा चुके हैं तो आपका जो आने वाला एग्जाम है एच पी जे ओ आई टी का उसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे सो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो मेरे नोटिफिकेशन हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पर आपको मैं इस वीडियो की पी जो है प्रोवाइड करा दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है हमारा फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं तो इसमें हैं बोथ ए एंड बी कौन कौन से पॉल एलन और बिल गेट्स ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आपकी जी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बी जो है इसमें आपका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैन्यून एम एस विंडो कंटेन्स लिस्ट ऑफ़ एम एस विंडोज में मेन्यू किसकी सूची है तो ये है आपकी कमांड्स ए जो है इसमें आपका सही ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज एक्सप्लोरर क्या है तो विंडोज़ एक्सप्लोरर है आपका फाइल मैनेजर फाइल मैनेजर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट फाइल्स कैन बी मेड इन तो टेक्स्ट फाइल किस में बनाई जाती हैं तो ये सभी बनाई जाती हैं आपके जितने भी हैं नोट पैड एम एस वर्ड और वर्ड पैड सभी में जो है टेक्स्ट फाइल बनाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्डर व्यू निमन में से कौन सा फोल्डर व्यू का प्रकार नहीं है तो कैस्केट्स बी जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा कैसकेट जो है आपका फोल्डर व्यू का प्रकार नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेकिंग रिज्यूमे तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम रिज्यूमे बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो ये है आपका एम एस वर्ड ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू वर्ड प्रोसेसर जो है सबसे अच्छे तरीके से किस में उपयोग किया जाता है तो किया जाता है आपका सी टाइप अ स्टोरी स्टोरी टाइप करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशल प्रोग्राम इन एम एस ऑफिस तो एम एस ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशेष प्रोग्राम नहीं है तो यह है आपका पेंट आर्ट डी जो है इसमें आपका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय तो कंप्यूटर क्षेत्र में अनुदेश और मेमोरी एड्रेस के द्वारा दर्शाए है जाते हैं तो यह है आपका बी बाइनरी कोड बी जो है इसमें आपका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑप्टिकल माउस यूज ऑप्टिकल माउस उपयोग करता है लाइट एमिटिंग डायोड एल Uh, जो है वो आपका यूज़ करता है एक ऑप्टिकल माउ ऑप्टिकल माउस तो बी इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है तो यह है आपका इनपुट ए जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है तो यह है बी इम्पैक्ट प्रिंटर बी जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑ द फॉलिंग इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट्स ग्राफिक आउटपुट्स पैदा करने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है तो यह ए प्लॉटर प्लाटर जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूस लाइन ड्राॅइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग तो निरंतर रेखा खींचने के लिए किसका उपयोग होता है तो यह सी प्लॉटर्स प्लॉटर्स जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले में तो ये की जाती है आपकी ए प्लाज्मा एंड एल ये जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑन द फॉलोइंग इज टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस सो निम्न में से किसे इनपुट आउटपुट उपकरणों का संयोजन कहा जाता है तो यह ए वीडी टी ए जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर तो निम्न में से कौन सा जो है सबसे तेज इम्पैक्ट प्रिंटर है तो यह है आपका बी चेन प्रिंटर बी जो है इसमें आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो ये है आपका ए डी में ए जो है इसमें आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है तो यह है आपका ए लेजर प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लॉटर प्रिंट प्लॉटर प्रिंट क्या करते हैं ऑल ऑफ दीज आपका जो विद बॉल पॉइंट पेंस हैं इलेक्ट्रो प्लास्टिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकली है और विद इंक पेंस ये जो सब जो है प्लॉटर्स जो है प्रिंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड यूज ए तो उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स रंगीन बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं तो आपका प्रयोग करते हैं प्लॉटर का बी बी जो है इसमें आपका राइट आंसर है प्लॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएस बी पोर्ट कम्स अंडर तो यूएस बी पोर्ट किसके अंदर जो है तहत आता है तो इसका राइट right आंसर है ए सीरियल पोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी तो किसमें जो है लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है तो यह है सही आंसर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस सभी के लिए जो है लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की जो है जो है, होती है जरूरत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई प्रोम इज जनरली by बाई यूजिंग तो ई प्रोम को सामान्यतः किसका उपयोग करके मिटाया जाता है तो है अल्ट्रा रेज ये जो है इसमें आपका सही ऑप्शन होगा पराबैंगनी किरणें किरण नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैशे मैमरी एक्ट्स बिटवीन तो कैश ए मेमरी किसके बीच जो है कार्य करती है ये करती है सी पी यू एंड रैम ये जो है इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री बिट बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई तो थ्री बिट बाइनरी नंबर जो है किन के द्वारा दर्शाया जाता है तो यह है डी ऑक्टल नंबर्स डी जो है इसमें आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है उपयोग करते हैं फोर बिट्स ए जो है इसमें आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट एडिटर इज़ ए टेक्स्ट एडिटर है एक क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सी जो है इसमें आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज विल इरेज अनवांटेड फाइल्स सो कौन सी जो विंडोज़ यूटिलिटीज़ हैं जो अनचाही फाइल्स को मिटाएंगी तो यह है बी डिस्क क्लीन अप तो बी जो है इसमें आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरस स्टैंड फॉर तो वायरस की जो फुल फॉर्म है ये क्या रहा है तो ये है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज सी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड एज टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अडोब एक्रोबैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो अडोब एक्रोबैट किसका एग्जाम्पल है तो ये है आपका प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के किस भाग में होती है तो यह है ए हार्ड डिस्क डी ए जो है इसमें बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी वर्कड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम किस रूप में जो है कार्य नहीं कर सकती है तो डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है कम्युनिकेशन मैनेजर डी इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रंट एंड प्रोसेसर इज़ यूज इन तो फ्रंट एंड प्रोसेसर जो है किस में यूज़ किया जाता है तो किया जाता है आपका टाइम शेयरिंग सी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिक्स इज यूनिक्स क्या है तो इसमें आपका सही आंसर है बोथ ए एंड बी ए मल्टी यूजर सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम दोनों जो है आपका यूनिक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में से संबंधित है तो यह है आपका सी विंडोज सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी जो द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आर ऑल्सो कॉल्ड हनी कॉम हनी कॉम्बो तो बी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है एंड्रॉयड थ्री पॉइंट ओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस डॉस इज यूजली सप्लाइड ऑन ए तो एम एस डॉस किस पर अधिकांश रूप से सप्लाई करता है सप्लाई होता है तो यह है आपका डी फ्लॉपी डिस्क डी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टी नाइन क्वेश्चन है आपका सूडो कोड है एक तो सूडो कोड इज डी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश टू कम्युनिकेट टू द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम तो डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड तो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसका क्या बोलते हैं हम तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड डी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम तो निम्न से कौन सा जो है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय ए कंपाइलर आर नोन एज कंपाइलर द्वारा निर्देशित की जाने वाली त्रुटियों को कहते हैं ए सिंटेक्स एरर तो ए जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन कंबाइन ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स तो सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है लिंकर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट पैड इज अ टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर तो नोट पैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो यह आपका फ्रीवेयर बी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है तो यह है आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर सी जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा सो so दाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स और प्रीवियस जो आपके पिछली प्रीवियस मंथ्स में कुछ एग्जाम्स हुए थे उनमें पूछे गए थे आपके क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चन की मैं सीरीज ला रहा हूँ तो जो भी आपके ये क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए तो वीडियो को बिल्कुल भी जो है आप देखना मत भूलिएगा जो आने वाली वीडियोज़ होंगी सो so, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियो से रिलेटेड और वीडियो की जो पीडीएफ्स हैं आप वहाँ पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं सो अभी के लिए गाइस इतना ही होप यू लाइक द वीडियो धन्यवाद